सारा ने तो आज मैं आया हूँ अपने एमडीयू यूनिवर्सिटी में और यार चल रहा है यूथ फेस्टिवल जो 18, 19 और 20 तीन डेटों में चलेगा नवंबर में। तो आज है 19 नवंबर का दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा। और तो भाई आप जैसे देखते हो कि मैं अपने ज़्यादातर जो अपने ब्लॉग होते हैं वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो मैं रोहतक सिटी से रहने वाला हूँ तो अपने रोहतक में जो भी इवेंट होते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। यहाँ पर रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर यूथ फेस्टिवल चला हुआ है जो टैगोर एडिटोरियम के अंदर है। ये पीछे आप देख रहे हो, ये टैगोर एडिटोरियम है। यहाँ पर 11 बजे शो स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर अपने जो ट्रेडिशनल म्यूजिक वगैरह हो गया, पोएम वगैरह होगी या डांस हो गया, तो ऐसे कुछ इवेंट होंगे, वह सभी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से। वैसे तो भाई आप सब ने पता है एमडीयू यूनिवर्सिटी का, और आप गूगल पर डालोगे तो आपको आराम से दिख भी जाएगी जो बाहर से हैं, और उसके अंदर आप टैगोर एडिटोरियम डाल दो डायरेक्ट यहाँ पे लाके छोड़ देगी। और जो मैप पे नहीं देख के आ रहे वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप गेट नंबर 1 से आओगे तो वहाँ पे व्हीकल की एंट्री जो है ज़्यादातर बंद ही रहती है, जो पैदल वाले हैं उनकी एंट्री चालू रहती है। आप गेट नंबर 2 से एमडीयू के अंदर एंटर करें और उसके अंदर आप बाइक और अपना व्हीकल कोई भी गाड़ी वगैरह आराम से लेके आ सकते हैं। गाड़ी यहाँ पे डायरेक्ट ऑडिटोरियम के बाहर पार्क हो जाएंगी, मैंने भी अपनी बाइक यहीं पर पार्क करी है। तो गेट नंबर 2 से आने के बाद आपको लेफ्ट की ओर कट लेना है, जो सेकंड नंबर का कट आएगा उसमें लेके, और उसके बाद आप सीधे चलते चलें, बीच में गोल चक्कर आएगा वो क्रॉस करके डायरेक्ट सीधा चलते जाना है। और राइट हैंड साइड को आपको टैगोर ऑडिटोरियम दिखाई देगा, यहाँ पर ये वो कॉन्सर्ट है जो चल रहा है यूथ फेस्टिवल। और भाई आप शो देखने के लिए, जो यूथ फेस्टिवल का शो होगा टैगोर ऑडिटोरियम के अंदर, इसको देखने के लिए वैसे अगर आप बाहर से हैं, आपका यहाँ पे एडमिशन वगैरह नहीं है, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको या तो रिसेप्शन पे जाके अपनी रिसिप्ट जो बनवानी पड़ेगी और अपनी बेसिक आधार कार्ड वगैरह की डिटेल देकर है, या फिर अगर यहाँ पे आपका कोई जानकार है या कोई स्टूडेंट है वो आप एग्री कर जाओ है कि मैं आपने अपने साथ अंदर ले चलूँगा, तो वैसे भी जाने देवे हैं। जिनके पास में मतलब यहाँ की स्टूडेंट आईडी हो ना, उसके साथ में आप जा सको। तो मैं भी अभी यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, इनसे किसी से बात करूँगा भाई थे कि अपनी जो आईडी पास है उसके साथ में मैंने ले चला, क्या कहना कि मेरे साथ में है, ऐसे कहने पर उसके साथ में जाने देवे हैं। 2 तरीके से एंट्री हुए हैं, तो देखते हैं, अभी वेट कर रहा हूँ। 9:30 हैं अभी, और 11 बजे के आसपास यहाँ पे कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा, तो उसकी वेट कर रहा हूँ जब तक। भाई ये है भाई टैगोर ऑडिटोरियम अपना एमडीयू यूनिवर्सिटी का। तो अभी अंदर तो आ गया हूँ भाई, ये देखो ऐसा कुछ हॉल है जिसके अंदर भी कार्यक्रम स्टार्ट होगा, और अभी मीडिया वालों के पास बैठा हूँ भाई, ये बोल के आया हूँ अंदर के मैं मीडिया से हूँ तो इन्हीं के पास आकर बैठ गया हूँ कि आगे दोबारा भी चेक करेंगे तो यहीं पे मिल जाएगा। तो अभी शो स्टार्ट होने वाला भाई, ये देखो हॉल अपना भरने वाला है। जब हम आए थे जब बहुत कम भीड़ थी, अब तो फुल होने वाला है। हर रोज शो की स्टार्ट भाई जो चीफ गेस्ट है उसके द्वारा स्टेज पर आ कर दीपक प्रज्वलित करने से होती है। अभी ये दीपक जलाने लग रहे हैं जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे शो देखने के लिए, और जो जज वगैरह हैं जो जज करेंगे, जो इनको रैंकिंग देंगे और इनको बाद में इनाम मिलेगा जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट हो गया अपना,
नजर मिलाई रे मैदान छोरी ने सारे बालक पूरा इंजॉय कर रहे हैं भाई। कति पीछे तो बूंदी डाला किल किया है जब भी शो स्टार्ट हुआ है। मेल की प्रस्तुतियां समाप्त हुई, इसके बाद
अगली टीम A27। तो भाई आज का प्रोग्राम हो गया खत्म, सभी चाल पड़े हैं उठ के। आज लगभग 10 शो हुए हैं जिनकी वीडियो मैं अभी 2-3 दिन के अंदर सारी अपलोड कर दूंगा, जो सभी ने पार्टिसिपेट किया था, डांस वगैरह किया था। तो अभी चलते हैं यहाँ से, सभी उठ कर जा लिए, देखो गेट के ऊपर एकदम से कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है, सभी बिल्कुल बाहर जाने के लिए उसमें धक्का मुक्की कर रहे हैं।